हेलो गाइस, आप सभी का हमारे रो फिर वॉइस टाउन के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे ऊपर ये लोग गोलीबारी करें, आइसक्रीम वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो गाइस, आइसक्रीम वाला पुलिस वाले के साथ मिलकर हमारे ऊपर गोलियां चला रहा था। तो गाइस, मैं इस पुलिस जीप को ब्लास्ट कर दूंगा और इस वॉइस टाउन में मचा दूंगा तहलका। तो गाइस, हमारे पीछे हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ, पहले मैं इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करता हूँ, नहीं तो ये हमें डैमेज कर देगा। तो गाइस, ये वीडियो में बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो गाइस, आप लोग चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइस, अब हम चलते हैं टिप्सन दादा के पास, क्योंकि गाइस टिप्सन दादा ने हमें बहुत पहले ही बुलाया था। तो गाइस, हम टिप्सन दादा के पास सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं आखिर वो हमें क्यों बुलाया। तो गाइस, ये आदमी कौन सा है, तो इसे हम छोड़ते हैं और सीधा चलते हैं टिप्सन दादा के पास। तो गाइस, रात का समय है और वॉइस टाउन में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, और इस अंधेरी रात में मैं जा रहा हूँ टिप्सन दादा के पास। और टिप्सन दादा, क्या हाल चाल है? रो फिर तुम इतनी रात को कहाँ, इतनी भयानक बंदूक लेकर? टिप्सन दादा, देखिए, हमें पुलिस पीछा करते हुए तुम्हारे घर के पास आ गई है, तो मैंने पहले इस पुलिस वालों को मार देता हूँ। गाइस, इन पुलिस वालों को मार के और इनकी कार को मैं कर देता हूँ, जीप को ब्लास्ट, क्योंकि ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमें टिप्सन दादा के घर तक पहुँच गए, जिससे कि मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई। अब टिप्सन दादा हमें अपने घर पर कभी भी नहीं बुलाएगा, तो पहले मैं इन पुलिस वालों को मार देता हूँ। गाइस, मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ, आगे आओगे तो मैं गोली मार दूँगा। तो मैंने गाइस उसे मार दिया, क्योंकि वो मुझे आगे आ रहा था।